शालिन भाई अचानक कहाँ पे? यहाँ पे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अचानक आज आप अचानक से स्पॉटिंग हो गई आज? थोड़ा आगे आ जाओ। बढ़िया 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 भाई। टैटू अच्छा लग रहा है? हाँ भाई, बेकाबू कैसे चल रहा है शालिन भाई? इधर ही रुको, जूम कर ले भाई, जो भी है। शालिन बहनोत काफी गरीब लोगों के साथ जो रोड साइड रहते हैं उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हो। 400 काफी लोगों के साथ, मतलब जो गरीब है रोड पे रहते हैं उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं शालिन बहनोत। उनकी परेशानियां सुनकर शालिन बहनोत उनकी हेल्प कर रहे कहीं ना कहीं पे। शालिन बहनोत बच्चों और गरीबों के लिए आइसक्रीम बिचुरा रहे हैं और बड़ों के लिए छाता लाइक अम्ब्रेला दे रहे हैं। शालिन बहनोत बच्चों और गरीबों के लिए आइसक्रीम एंड खाना भिजवा रहे हैं एंड बड़ों के लिए अम्ब्रेला और रेनकोट भिजवा रहे हैं। तो आज इनके ये डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हो। आराम से शालिन भाई, बस शालिन भाई, शालिन भाई दिखा के, शालिन भाई दिखा के, शालिन भाई दिखा के। अरे हम लोग दिखा के दिखा के।
शालिन भाई स्माइल स्माइल स्माइल, आराम से हाँ स्माइल करते हुए, स्माइल करते हुए। लेने में मिला 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 मिला, इनके दुआ लीजिए, दुआ लीजिए शालिन भाई, इनकी दुआ लीजिए, दुआ लीजिए, इनकी दुआ लीजिए। यही फुटेज है, यही फुटेज है। शालिन में एक बार सर पे हाथ रखो, सर पे हाथ रखो। बस बस यार थंबनेल मिल गया हम लोगों भाई, हीरो है वो हीरो। मैंने देखा काफी लोग भीग रहे थे यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आज छुट्टी थी मेरी, तो मैंने सोचा अच्छा लगता है। और आपका शो भी बहुत पसंद किया जा रहा है, आपकी जोड़ी को स्पेशली पसंद किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि हम इतना मेहनत करके आपका अलग अलग जोड़ी और ये कुछ नए अंदाज में हम देख रहे हैं, सो आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा ईशा के साथ? यार बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है काम करके, अच्छा लगता है, कम टाइम मिल पाता है, मैं बहुत लकी फील करता हूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। बहुत छोटे शहर से आया था यहाँ पे, आज बहुत लकी फील करता हूँ कि आज लोग प्यार दे रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, हम लोगों को इतना प्यार मिलता है। अगर वो प्यार और वो जो भी प्यार के रूप में हम लोग को जो भी मिलता है थोड़ा सा बांट सके तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी निस्वार्थ सेवा। मुझे लगता है कि जैसे हम खाना खाते हैं शरीर के लिए, वैसे आत्मा की फीडिंग के लेना ये बहुत जरूरी है, तो मैं उसमें करता हूँ। करो जूम करो। बिग बॉस OTT फॉलो कर रहे हैं आप सीजन 2? या आपका कोई फ्रेंड गया है? नहीं मेरा कोई फ्रेंड नहीं। अच्छा माना जा रहा है बिग बॉस के अंदर आपका और टीना का भी काफी लव एंगल रहा था, ये तूने कल भी पूछा था ना? आपने जवाब नहीं दिया था, पर समझ जाओ। नहीं नहीं आज हम अच्छा अच्छा बात करेंगे, आज हम लोग ये करने आए, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी जरूरत का टाइम है, सिर्फ कोविड की जरूरत का टाइम नहीं होता है ना। आज मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सब इन लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, तो जरा सा भी अगर किसी को भी आप लोगों के माध्यम से अगर किसी को 100 रुपए, किसी को 50 रुपए जब भी कभी इच्छा कर देना कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए है ना, और अच्छा करोगे तो अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। आप फैंस और ऑडियंस को लास्टली क्या कहना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच, इतना प्यार दे रहे हैं वो बेकाबू। एक बहुत ही जब हमने शुरू किया था तो मैं बहुत नर्वस था कि बेकाबू पता चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। बेकाबू लोग पसंद कर रहे हैं, हम खुद पसंद कर रहे हैं। आई नो थैंक यू सो मच। और मैं वो भी पहली बार था राक्षस और परी का प्यार और लिमिटेड सीरीज था, तो हम लोग एक बहुत ही लिमिटेड सीरीज बनाना चाह रहे थे। जब मैं बिग बॉस के घर से बाहर आया तो मुझे पता था कि मैं थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन एकता मैम का कन्विक्शन था
एंड वर्क क्या रही हाँ बहुत इंटेंस है बहुत मजा आ रहा है बहुत अच्छा क्रू है हमारा डायरेक्टर बहुत प्यारे हैं मेरी जो एक्टर है ईशा बहुत प्यारी है मलिका सब लोग जितने भी एक्टर्स हैं सब बहुत प्यारे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है एंजॉय करता हूँ मैं। अच्छा एक और मैं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछता हूँ कि आकांक्षा पुरी का किसका किस्सा चल रहा है तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन देना चाहोगे आप? कल आपने मुझे पूछा ना तो आपने कहीं भी जवाब नहीं दिया था शालिन भाई। मैं बोल रहा हूँ ना अगर उनको खुशी मिल रही है वो करो जिसमें खुशी मिल रही है अगर खुशी मिल रही है करते रहो जो करना है करो यार मुझे मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें मेरा कुछ है भी नहीं उसमें है ना मुझे कुछ नहीं मिल रहा पर आपको जब आप बिग बॉस में आपको बहुत कुछ बट सलमान सर ने कहा है कि वो गलत है वो मतलब वो टास्क है बट वो टास्क वो किस करना चाहते थे वैसे स्क्रीन पे दिख रहा था क्योंकि ये फैमिली शो है। अच्छा हम निजी जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं हम प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन ऐसा मेरा खुद का मानना है कि जब आप पब्लिक में होते हो जब आप ऑडियंस के सामने होते हो तो आपको कुछ ना कुछ सारे बनाने पड़ते हैं। मैं भी कभी कभार बहुत सारा बर्गर खाता हूँ लेकिन मैं ऐसे प्रमोट नहीं करता कि नहीं खाना चाहिए सब हेल्दी रहना चाहिए तो ऐसे ही हमें एक थोड़ा सा सोशल अपना मेंटेन रखना चाहिए जो रहे वो अपने हिसाब से अपने हिसाब से सही हो सलमान खान का कहना सही अगर उन्होंने बेकाबू में सब लोग बेकाबू हो आप तो बेकाबू हो रहे हो शो करके कैसा लग रहा है आपको कौन सा बेकाबू शो करके बेकाबू हो रहे हैं पागल हो रहे हैं या पीपल आर लाइक बेकाबू ओनली। मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ कि बेकाबू में जीरो प्रमोशन हुआ था और मैं जिस दिन आया उस अगले दिन से हम लोग शूट कर रहे थे एंड दे हैड टू गो तो कोई प्रमोशन नहीं होता इसे इट इज ऑल थैंक्स टू यू ऑल क्योंकि आप लोगों की वजह से बेकाबू घर घर पहुंचा है और इतना प्यार कर रहे हैं इतना पसंद कर रहे हैं लोग और बूट में हम लीड कर रहे हैं हम ऑनलाइन में आई थिंक लीड कर रहे हैं हम ट्विटर में ट्रेंड कर रहे होते हैं एंड दैट इज राबिल ट्रेंड कर रहा होता है इट इज ऑल थैंक्स टू यू ऑल थैंक यू शालिन भाई बात करने के लिए और लाइक लोगों को इतनी मदद करने के लिए भी काफी थैंक यू।